तमाम किसान भाइयों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जितने भी किसान हैं, हमारे देश की नींव है, क्योंकि आपके बिना देश का गुजारा चलाना मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली हमारे सारे किसानों के लिए होनी चाहिए। हमारा पूरा का पूरा जो आज का प्रोग्राम है वो एग्रीकल्चर अवेयरनेस से रिलेटेड है। हमारा काम है 10, 20, 50, 60 समाज के किसानों को इकट्ठा करना, उनको जानकारी देना कि आप नेचुरल तरीके से अपनी खेती को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि विगत कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश के किसान जितनी ज़्यादा मेहनत अपनी खेती को उगाने में करते हैं, उसके अनुसार ना उनको इनकम आती है, ना उनका फसल उगता है। इसका कारण क्या है? इस कारण के ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला, पुराने समय में जो भी खेतियाँ होती थी वो सारी खेतियाँ गोबर वगैरह के इस्तेमाल करने के बाद हो जाती थी। लेकिन आज के रेट में धीरे धीरे जब फसलों की डिमांड बढ़ने लगी तो बाहर से कंपनियों ने ला के हमें डीपी यूरिया का इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब आपने देखा होगा, किसानों का मित्र बोला जाता है केचुए को, लेकिन आप एक केचुआ जिंदा रखिए और उसके ऊपर एक 50 ग्राम 25 ग्राम आप थोड़ा सा डीपी यूरिया डाल दीजिए, केचुआ खून की उल्टी करता हुआ मर जाता है। अब आप सोचिए, किसानों का मित्र है केचुआ और केचुए का काम है मिट्टी को उलट पुलट करना, मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना। लेकिन जब से हमने डीपी यूरिया इस्तेमाल करना शुरू किया, आपने महसूस किया होगा कि आपके खेत के सारे केचुए मरने लगे हैं। अब अगर खेत में केचुआ नहीं रहेगा तो होगा क्या? आप 1 किलो को 10 किलो उगाने के चक्कर में आपने डीपी यूरिया इस्तेमाल तो किया था, लेकिन अगले 2 साल के बाद आपकी जमीन और बंजर होती चली जाती है। रिजल्ट, डीपी यूरिया अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी आज हमारे खेतों में कीड़े लगते हैं, आज हमारे खेतों की जो फसल क्षमता उपजाऊ क्षमता वो खत्म होती चली जा रही है। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाख खाद इस्तेमाल करेंगे लेकिन फिर भी आपकी फसल बढ़ेगी नहीं और आपका जमीन ईटा भट्ठा के अलावा किसी काम का रह नहीं जाएगा, ये हालत होने वाली। अब इसका उपाय क्या है? इसका सीधा उपाय है कि हमें उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को पुराने समय से हम लोग इस्तेमाल करते थे। पुराने समय में लोग गोबर इस्तेमाल करते थे, कंपोस्ट बनाते थे, उसका इस्तेमाल करके अपनी खेती को करते थे। लेकिन आज मुश्किल ये है कि आज उतने संसाधन हमारे पास नहीं है, उतनी पशुएं भी लोगों के पास नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक क्षमता को उगाया जा सके, गोबर वगैरह की पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जा सके। और उसके लिए हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस ने आयुर्वेदिक तरीके से आपके लिए बनाया है हर्बल और नेचुरल खाद। हमारा पहला खाद है भूविटा। एक ऐसा खाद है जो हमारे फसलों के लिए, हमारे मिट्टी के लिए सॉइल कंडीशनर का काम करता है। यानी आप जब खेती को उगाते हैं, उगाने से पहले अगर आप भूविटा का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी खेत की जो नमी है वो बरकरार रखती है, वो कंडीशनर का काम करता है। जैसे बालों में कंडीशनर लगाने के बाद बालों की नमी बनी रहती है, बाल मुलायम होते हैं, वैसे ही आपकी मिट्टी को भी ये मुलायम कर देगा और उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देने का काम करता है। 10 से 15 गुना आपकी फसल बढ़ जाएगी। जैसे आप फसल को बो देते हैं, उसके बाद जो सेकेंड राउंड में आप डीपी यूरिया का इस्तेमाल करते थे उसके बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा एसलीपीएस वेलनेस का इको हरियाली। ये प्रोडक्ट आपके फसल की अंकुरण क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। पहला सिंचाई के बाद आपके अंकुरण क्षमता को बढ़ाता, आपका फसल की ग्रोथ काफी अच्छी होगी और अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो आपके फसल की जो उपजाऊ क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आज बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लोगों ने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, जहां पे गेहूं में 3-3, 4-4 बालियां आती थी, आज 15-15 बालियां आई हैं, 1.5 से 2 गुना उनको मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। मेरे दोस्त, आज के डेट में एक बहुत बड़ा समस्या है कीटनाशक की, बहुत बड़ी समस्या है कीट पतंग लगने की। हमारा प्रोडक्ट है PGPR, जिसको नोजल में मिला के अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो उसके ऊपर सिलिकॉन का एक लेयर लगा देता है और उस लेयर से इतना बड़ा फायदा है कि आपके पेड़ पौधों में कभी भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं लग सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो फल फूल गिर जाते थे, फूल लगने के बाद जो गिर जाते हैं उस फूल के गिरने की क्षमता को खत्म कर देगा। यानी फूल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो हमारी उर्वरक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जब आपका फल फूल में फल की ओर कन्वर्जन होने लगे उस समय हमारा एक प्रोडक्ट है एग्रो 90, आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से आपकी जो फसल की जो क्षमता है, फलों की जो क्षमता है, उसको बढ़ा देने का काम करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना अच्छा काम करती है और हर्बल है, ऑर्गेनिक है, तो क्या इसके प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जितने रुपये में आज तक आप अपने घरे में, अपने गाँव में डीपी यूरिया का इस्तेमाल करते, सेम प्राइस रेंज में आप हमारे फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फसल 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये का खर्चा आपसे लेगा, इससे ज़्यादा तो आप डीपी यूरिया का इस्तेमाल करते थे। तो क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने किसान ऐसे हैं जो आज के बाद चाहते हैं
कि आज के बाद हम अपने ग्राहकों को रासायनिक खाद ना खिला के अच्छा खाना खिलाएं, जिससे लोगों की दुआएं भी मिले और हमारी फसल भी बढ़े और हमें मुनाफा भी मिले। कितने किसान इंटरेस्टेड है? जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप आइए, अपने अपने फसल के अनुसार आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।